वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आज ब्लॉग छत से स्टार्ट करते हैं। आज सरस्वती पूजा है तो शाम में जाएंगे घूमने उमने कंटेंट निकालने के लिए ताकि अपलोड कर सके। तो संजीता का जाएंगे शाम में घूमने फिरने, देखेंगे क्या क्या हुआ। अब तो पहले जैसा कुछ रहा नहीं, फिर भी अपना जो ट्रेडिशन है कल्चर है उसको फॉलो करना है, घूमना है। तो मिलते हैं आप सीधे घूमने पे, अभी चलते हैं संजीत के घर पे। संजीत आएगा वहीं। सो गाइस, पप्पू भैया के साथ अभी जा रहे हैं प्रिंस के घर साइकिल से। बिहार है कहे कि बिहार में सब चीज चलता है ना पप्पू भैया। अभी प्रिंस का घर आ गया, वहाँ प्रसाद उरसाद खाएंगे फिर वहाँ से जाएंगे सीधे आगे। अभी संजीत आएगा फिर यहाँ पे, यही है बस। पप्पू भैया धीरे कर दीजिए। तो संजीत आ गया अभी बिहार तो पर। देख सकते हो सरस्वती पूजा का जो क्रेज है बच्चों में कितना रहता है, सब आ रहा है खा पी के। सीओ बुनिया गाजर खीरा। सो गाइस, ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, हो गया जितना घूमना था, थक गए, जाते हैं पढ़ा करेंगे थोड़ा, एग्जाम है। अब संजीत का भी एग्जाम हो गया है, कोटा जाएगा फिर कल जाएंगे खाने। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं या फिर कल वाला पार्ट इसी में डाल देंगे, काहे कि अभी कंटेंट तो मिल नहीं रहा है, घर पे रहते हैं, एग्जाम पढ़ो बस। अनदर डे सेम ब्लॉग। आज भसान है माता का, जाएंगे उसमें बुनिया खाएंगे, सीओ बुनिया। संजीत आ रहा है यही गेट से, तब चलते हैं अब भसान में प्रिंस के यहाँ। तो अभी चलते हैं अब सीधे प्रिंस के यहाँ। मूर्ति उर्ति सेट हो गया ट्रैक्टर पे, कुछ शॉट मारेंगे सिनेमेटिक, फिर आधा दूर जाएंगे या फिर पता नहीं फूल, फिर वहां से घूम के आएंगे, काहे कि कल एग्जाम है बायोलॉजी का, उसका भी प्रिपरेशन करना है। अब मिलते हैं सीधे उसी के घर। देखो लाइट उठ जल रहा आगे, यही अपना शॉर्टकट है, यहीं पे देखो लाइट जल रहा आगे। टोटल मतलब जो मेरा गांव है उसमें 3-4 बैठती है माता, तो सब एक लाइन से जाएगा, सबका दर्शन होगा। बोलो जय सरस्वती माता विद्यादाता। देखो लाइट जल रहा आगे, अब चलते है सीधे वही। देख लो हरियाली कितना है बिहार में, कौन कहता है अभी बिहार में हरियाली नहीं। देखो मकई खेत, डीजे उजे बजने लगा अभी से। बिहार टॉपर ओपी इन द चैट गाइस, स्पैम कर दो, संजीत लाइक करने बोल दो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। दोनों बिहार बोर्ड वाला दोस्त मिल गया। एज यू कैन सी हियर, जब भी भसान या विसर्जन कहीं पे भी होता वहाँ तो जाम लगना तय है। तो ऐसा भी हुआ, यहाँ भी जाम लग गया, लेकिन थोड़ा देर बाद क्लियर हो जाएगा खुद ही और अपने आप ही। ऐसा होता रहता है भसान में, कोई बड़ा बात नहीं है।
अब आता है असली टाइम जब होता है पुलिस का एंट्री यहाँ पे, आवाज़ को लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके पुलिस का एंट्री वहाँ बोला गया आवाज़ कम करने, डीजे क्यों है, ये वो कोरोना है इसलिए, तो पुलिस आए, यही सब हुआ, फिर जो अपना कार्यक्रम था फिर आगे बढ़ा। तो माँ के आखिरी विदाई का समय आ गया, यहीं पे माँ का विसर्जन होगा, भसान होगा, फिर हम लोग यहाँ सब सीधे घर जाएंगे, यही वो जगह है जहाँ पे भसान होगा, यहाँ इसको बिल्ली पोखर कहते हैं, जो कि जमालपुर बाजार में है, नवल किशोर टोला के बगल में, यहीं पे जो है भसान होगा। अभी माँ को विदाई देने का समय आ गया है, अब चलते हैं माँ को ले आते हैं। फाइनली भसान से आ गए प्रिंस के घर पे, अब यहाँ पे प्रसाद खाएंगे और फिर यहाँ से सीधे जाएंगे घर। रोड बिजी है, एनएच टाइप का रोड है।
इसलिए थोड़ा गाड़ी वाड़ी ज्यादा चलता है। सो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, हो गया भसान, अब अगला साल का इंतजार रहेगा, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, कल एग्जाम है बायोलॉजी का, याद ना। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अंधेरा बहुत है, नीचे देखना पड़ रहा, नहीं तो खेला नहीं हो जाए, कल एग्जाम देने जाना है, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, खत्म, टाइट बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। कंट्रोल कंट्रोल उदय।